कहा था भाई से, ये जितिया के संगी घोसी नरेश बाबू दे दद्दा रामधार यादव जी, तो ज्ञान भी ज्ञान पा करके हमारे पिताजी जब विराह को गाया करते थे बाबू, पता नहीं की उम्र रहे सुने तो बड़ा आनंद आवे, याद गवैया हर कलाकार गाया करते हैं। हमारे पिताजी गावे कि अरे अंगन में फूल ही फूला, अरे के नवा ये नना दो, अरे अंगन में फूल ही फूला, अब के नवा ये नना दो, बाधेला बधैया बाबू, इसलिए कहा गया है कि जीवन में अगर खुशी आती है तो दुख भी आता है। गीत में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि हर सुबह के बाद जब रातें आती है तो रात में ही बेला बदलती है, कि आधी रात की बेला में चारी युग में केका सुख मिला केका दुख मिला, कहा गया हमारे स्वर्गीय बाबू दयाराम महाराज जी बात को लिखते कैसे सतयुग में गौतम ऋषि के रही दूल्हा, और जाकर के चंद्रमा महाराज जी के पास पहुंचे, अर्ज लगाए कि जाकर के तुम आज रात की बेला में 4 बजे भोर में गंगा स्नान को जाते थे, गौतम ऋषि कहने की तू आधी रखिए में 12 बजे के लपेटे में जाए के मुर्गा बन के चौके अर्ज आवाज लगावे तहत वही मुर्गा का बोली चंद्रमा लगाई आधी रखिया में आप सब आ जाइए। कैसे माल बाबा धन्यवाद।
बाबूजी बन खो गए। पंचवटी से माँ जानकी का जब हरण हो गया तब लिखना पड़ा कैसी द्वापर लगा, जब द्वापर युग लगा तब लिखना पड़ा। क्या लिखे हमारे महाराज जी? अगर मेहरारू पकड़ पाए सो पाई कमजोरी तो चाहे नैहरे सटई के ससुरे भरे माँ हाँ कटाई दबवा चाहे सास ससुर को परेशान करावे चाहे देवरान जेठान में झगड़ा लगावे चाहे अपने मन से दुख पकड़ी सर पे उठा के समाज में नाम को चाहे चाहे जूता तरे तलवा कल से अपनी बहन देवकी के आठवीं संतान कहीं ऐसा ना हो पैदा हो जाए मारे वाला सात बेटवा मार चुका था सात बहने संतोष नहीं था और जब आठवीं संतान के रूप में परमात्मा का यासन बोला तब अपनी बहन का डाले जेल के पठारी द्वापर के बाद कलयुग जिस युग में हम सब खड़े हैं या चैनल चल रहा है तमाम कलाकार भाई आए हैं आप सब हर कलाकार के गीत का आनंद लेंगे और अच्छा लगेगा कि इस चैनल को आप सब विनम्र निवेदन है कि आप सब इस चैनल को लाइक करिए वे लाइकिन के बटन को दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आखिरी प्रमाण इस कलयुग की बात लड़किया बतावत हो युग में तुलसी दास गईले ससुर कहा गया है वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में लोग कहते हैं वेद में भेद है तमाम कलाकार है हमारे बीच में बड़े अच्छे कलाकार जो हृदय के हमारे आप अजीज है मित्र है
भाई राम प्रसाद जी लोग कहते हैं वेद में भेद में, मैं कहता हूँ कि क्या व्यास जी चार से पथवा वेद लिखे का सारा ही वेद लिखे कहें जब पढ़वा तब जनबा ना ग्राहक करो जरूरी ना कि गुरु जी लिख के दे तो नहीं रहते थोड़ी शिक्षा की जरूरत है थोड़ा पढ़ना पड़ता है कहा गया पहले सागर तब है कलयुग में तुलसीदास गए ससुरैया लिखने वाले लिख दिए सपवा पकड़ के चढ़ गए करिया चले ये काश साहब पकड़ के अटारी पे चढ़ के दिखावा के हो तो अजगरों हो इतने लपेट के निकल जाइए किस लीले ते हैं किस निकाले भैया हो रतना अपने पतिनी का इतना चाहत रहे तुलसीदास की पतर के एक क्षण के अपने आंखी को उधर हो न दे अजब रात में गई ससुरारी रतना से मिले बड़े तब सपवा पकड़ के लेकिन हम बताओ तुम्हारी कितने लोग गाड़ी नहीं गए हैं रतना कुछ जरूर जुगाड़ हुआ लगा रहे हैं लेकिन थोड़ा उसका जाए दे वह तुलसी डांस रतना दरिया कर हे नबर नबर कहीं के ससुरारी आई है जितना लगन ही मेहरारू से लगाए हाँ अगर जाए कि अच्छा होती तो दुनिया के मालिक जो सबको परम धाम ले जाने वाले हैं पार हो जाए अरविंद बाबू तुलसी करत नादुरी आई आधी रतिया तुलसी करत नादुरी आई आधी रतिया घर को ना गए चल दिए सीधे चलते चलते चित्रकूट पहुंचे जहाँ पर मरा मरा जपत रहे दुनिया के मालिक सुगना का रूप धारण करके आए और ज्ञान दिए मरा मरा से राम राम रटते रटते वही बाबा तुलसीदास महा ज्ञानी रामचरित मानस के लिखवैया महाकवि पैदा हुए जिनकी रचना आज समाज पढ़ रही है जब तक सूरज चांद रहेगा तुलसीदास का नाम रहेगा अंतिम बंद में खानदान के परिचय के साथ गीत का समापन है हमारे बच्चे गुरु भोला बाबा जी गुरु भोला बाबा जी हमारी सुख दुख सबके कपड़ावा होता